ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੂਲਚੰਦ ਮੌਲਾਣਾ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ। विधान सभा चुनावों में जहां भाजपा को स्पष्ट बहुत मिलने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस अपनी हार को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता फूलचंद मौलाना जी हैं। मौलाना जी, जिस तरह से कई फैक्टर आपने बात कही कि कई फैक्टर ऐसे हैं जो आए हैं, किस तरह के आप मेन फैक्टर मानते हैं कि जो हार का कारण बने? देखिए, लोकतंत्र में जीत हार बनी हुई है, लेकिन मेन फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मोदी की अभी तक हवा है। लोग चाहते हैं केंद्र में सरकार बनी है तो सूबे में भी बने, तो देखते हैं कि क्या प्रदेश का उत्थान होता है, हम कितना तरक्की करते हैं, कितना हमारा भला होता है। दूसरी बात, कई पहलू हैं, अपने ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, जैसे कुमारी शैलजा भी कह रही है कि भूपिंदर जिम्मेवार है। अब भूपिंदर कैसे जिम्मेवार है? सब कॉन्ट्रीब्यूटरी है सबका, अपने अपने लोगों के लिए सब लगे रहे। कुमारी शैलजा ने भाई को मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, लोकसभा की मेंबर होते हुए, कैबिनेट मंत्री होते हुए राज्यसभा में आ गई। अभी तो टर्म बाकी थी, क्यों? एक मैसेज गया कि ये तो भाग रहे हैं चुनाव छोड़ के, और रिश्तेदारों से बाहर नहीं लगती। ईश्वर भी रिश्तेदार है जो राज्यसभा मेंबर बनाया। आज इल्ज़ाम लगाना आसान है, उनको साबित करना बहुत कठिन है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा फेयर ढंग से चलता रहा, और उससे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता प्रदेश के। मौलाना, जिस तरह से आपने बात करी कुमारी शैलजा की, तो कई ऐसे हैं नेता, दिग्गज नेता जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, लेकिन उनका जो आरोप था या कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही उनकी वो है, संगठन के साथ कोई वो नहीं है उनकी, तो आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही उन्होंने आरोप लगाया, कोई संगठन पर आरोप नहीं लगाया? वर्चस्व की बात है, कोई कहता मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब अपने वर्चस्व की बात करते हैं। तो यही चीजें खा गई, मतलब यही चीज पार्टी के बारे सोचें तो बात बने ना। तो यही चीजें कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या कोई और मुख्यमंत्री, यही चीजें कांग्रेस को हार का कारण बनी? मैं बता रहा हूं ना जी, अपना जो वर्चस्व दिखाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में रॉन्ग मैसेज गया जी। अगर आप कहें विकास की बात, 10 साल का विकास आपने कहा था या दावे किए थे कि तीसरी बार जो है कांग्रेस सत्ता में आएगी, उसको क्या कहेंगे? विकास बहुत हुआ है और विकास होना भी चाहिए, लोग चाहते हैं विकास हो। अब देखिए, गांवों में जाके आप, इंटरलॉक गलियां, पीने का पानी, टंकी टूटी मुफ्त, और गरीब वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत काम हुए, और लोगों को चाहिए क्या? लेकिन अब एक बदलाव की भावना जब आ जाती है तो उसका शिकार कोई भी पार्टी हो जाती है। एक सिरसा वाले जो बाबा की बात की थी, उन्होंने समर्थन दिया है, उसको कैसे देखते हैं आप? सिरसा वाले बाबा के समर्थन से बहुत फर्क पड़ा है, कोई माने या ना माने, क्योंकि मैं तो खुद मानता हूं कि कम से कम कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10-10 हज़ार वोट का फर्क पड़ा है। लेकिन मुलायम जी, ये तो मानेंगे कि सिरसा पे अगर हम बात करें तो सिरसा की कोई भी सीट भाजपा को नहीं आई, वहां पे क्या फैक्टर है, क्योंकि मेन गढ़ तो सिरसा का, बाबा का वही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, जहाँ का कोई व्यक्ति होता है उनको उनकी कई बातें पता होती हैं, और वहाँ फॉलोअर्स कम होते हैं। आप जाके देखो, वहाँ फॉलोअर्स कम है, बाहर से ज़्यादा आते हैं, तो बाहर वालों पर ज़्यादा असर है, लोकल कम असर है। तो अब कैसी आगे की रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की? रणनीति कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, लोगों की जो बातें हैं, जो वो चाहते हैं, उनको उजागर करेंगे, और चाहेंगे कि जो नई सरकार बनती है वो लोगों के भले के काम करें और हरियाणा को आगे ले जाए। बिल्कुल, जिस तरह से मौलाना जी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अभी भी एक संगठन जो है वो मजबूत है और आगे भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे, लोगों की सुविधाओं के लिए जो है वो काम करते रहेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।